पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर एक में स्थित सीसी पावर नाले के पास बसे झुग्गी झोपड़ी बस्ती को 57 मकान अतिक्रमण के तोड़ने के लिए नगर पालिका और तहसील कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के विरोध में आज स्थानीय रहवासियों द्वारा तहसीलदार और SDM पीथमपुर को ज्ञापन सौंपा गया। रहवासियों ने ज्ञापन में मांग की है कि उन्हें पट्टा दिया जाए। उनका कहना है कि कई वर्षों से हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ज़्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आदिवासी समाज के लोगों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सुनकरा की रिपोर्ट। बताएं आज यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या है प्रॉब्लम? पीथमपुर तहसील से नगर पालिका क्षेत्र 6 से झुग्गी झोपड़ी वाले 57 लोगों को नोटिस मिले थे, जिनके मकान तोड़ने के लिए इनको नोटिस जारी किए गए थे। हमें आज तक यहाँ नगर पालिका से पीथमपुर तहसील से कोई डॉक्यूमेंट मिले नहीं है। इसकी हम शिकायत सी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, कलेक्टर महोदय को, अनुविभागीय अधिकारी SDM महोदय पीथमपुर को इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ भी हम हाई कोर्ट में पिटीशन भी इसके खिलाफ में दायर कर रहे हैं। ये गरीब काफ़ी बाप दादा के समय से वहाँ निवास रहते हैं। एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी कोरोना महामारी से बचना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के अधिकारों के को छीनना चाहती है। इनकी जमीन अवैध रूप से कब्जा बताकर भूमाफियाओं को जमीन देना चाहती है। इसी के साथ हमारे सभी आदिवासी भाई बहनों ने निर्णय लिया है कि नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? एडवोकेट अभिराम रघुवंशी, उच्च न्यायालय अभिभाषक। ज्ञापन देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये ग्राम पीथमपुर के निवासी हैं, वार्ड क्रमांक 9 के, जिनको कि अतिक्रमण के चलते तहसील कार्यालय से और नोटिस दिए गए थे, और इसके संदर्भ में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इनको जो है जहाँ पे लोग स्थायी निवास कर रहे हैं उनकी झूठी शिकायत की गई है और इनका स्थायी पट्टा इनको दिया जाए, इसके लिए इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज आपका नाम? ऋषभ ठाकुर, तहसीलदार पीथमपुर। हम इसलिए आए हैं, हमें 30-40 साल हो गई है यहाँ पे रहते रहते सीसी पावर पे, अभी तक किसी को नहीं दिखा कि ये लोग रह रहे हैं। अब नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। हम जरा जरा से बच्चों को लेके अब कहाँ पे जाएंगे? बारिश का टाइम है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई बंदोबस्त नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ जाएंगे? और नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं और खाली करने बोल रहे हैं। खाली करने के लिए आर्डर दे दिया है कि नहीं तो दंड लगेगा, अभी इतना प्रतिशत दंड लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। नोटिस किस विभाग से आया? नगर पालिका से आया है नोटिस। आपका नाम? मेरा है पुष्पा बुंदेला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।